दिन वो शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की थी जिसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, और वो लड़की क्या कर रही थी, वो एरो जो रहता ना पैर से एरो खींच के एक्यूरेट मार रही, वो ओलंपिक का कुछ गेम था, इंडियन लड़की थी। तो मेरे को देखे ना अपने आप पे शर्म आ रही थी साला, मतलब अपन ने लाइफ में कुछ नहीं किया थे। जैसे अपने को बोले वो बॉटल रखी वाली एक पत्थर से मारो उसको, 50 बार मारे तो एक बार लगता, वो भी अंदाजे से लगता, एक्यूरेट नहीं लगता। मतलब दुनिया में लोगों ने जो भी पीक अचीव किया है वो प्रैक्टिस से किया, प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल की डेफिनेशन क्या है कि जो मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन प्रैक्टिस के बाद कर लूँगा, समझ आ रहा है, मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे को बोलेंगे यार उसको हिट करो या जो कुछ भी चीज़ है, यहाँ पे 10 उड़िया मारो सर ऐसे गोल गोल, तो इम्पॉसिबल है क्या वो? नहीं, अभी नहीं कर सकता, प्रैक्टिस करूँगा 1-2 साल के बाद तो आ जाएगा। अब 2 साल की प्रैक्टिस 1 साल में भी कर सकते, डबल करना पड़ेगा। 1 साल की प्रैक्टिस 6 महीने में भी कर सकते, 4 पॉइंट बनना पड़ेगा। 3 महीने में भी कर सकते, 1 महीने में भी कर सकते, 8 दिन में भी कर सकते, समझ में आ रहा। तो अभी सिचुएशन कैसी रहती मालूम क्या, अपन अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ लेते, 6 घंटे की कोचिंग कर रहे, मैं क्या मजाक है क्या, 6 घंटे की कोचिंग कर रहा ना, 12 घंटे की कोचिंग कर, नॉट अ जोक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो जाती। तो देखो बिना पैसे की लाइफ बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल जाएगी बिकॉज अभी तक तुम्हारे को पैसे का काम पड़ा नहीं, एक्चुअल जब पैसे का काम आता ना तब मजा आती थोड़ी सी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आदमी को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम का इंपॉर्टेंस समझने से पहले पैसे का इंपॉर्टेंस समझना पड़ता, मतलब 100 रुपीज कहां से आते ये अगर आप समझ गए तो टाइम का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक समझ जाते। 100 रुपए कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता, समझ में आ रहा। जैसे हमारे गांव में ना औरतें खेत में काम में जाती ना तो उनकी 100 रुपए हाजिरी रहती, 100 रुपए। तो सुबह 6 बजे जाना पड़ता, शाम में 5 बजे छुट्टी होती उनकी, 1 घंटा ब्रेक रहता, तो 10 घंटे खेत में काम करना पड़ता नॉन स्टॉप धूप में, समझ में आ रहा। तो अभी तुम जिस सिचुएशन में हो मेंटली सोच सोच के वो सिचुएशन ये है कि सर मैं 10 घंटे खेत में काम कर लेता मगर ये नहीं पड़ता, बिकॉज मैं फील कर चुका हूँ ना सिचुएशन। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया हुआ रहता उसको ही पता रहता, वो नॉर्मल लोग ये नहीं समझ सकते। हम जैसे मम्मी डैडी के साथ अपन ये शेयर करेंगे, बोलेंगे मेरे को ना मम्मी डैडी ऐसे लग रहा है कि मैं ना 10 घंटे खेत में काम कर लूंगी लेकिन पढ़ती नहीं यार, तुमने पागल हो गई क्या, दिमाग खराब है तेरा, वो नहीं समझ सकते। जो एग्जाम देता उसको समझ में आता हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नेचुरल है लेकिन इसको ओवरकम करना पड़ेगा, कैसे, खुद के साथ डील करके, किसी के समझाने से या कुछ करने से सारी चीजें नहीं हों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलते रहना जरूरी है, पढ़ते रहो, पाथ पे टिके रहो, करते रहो, लेकिन प्रैक्टिस तो लोगों ने डेंजर की है। अब बड़ा बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस उस लेवल की करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जो भी बड़े बड़े इंसान हैं थियोरेटिकली बुक्स में बहुत सारी कहानियां लिखी पड़ी हैं, जैसे रोनाल्डो की बहुत पसंद आती मेरे को, बहुत डेंजर आदमी है वो, मतलब उस लेवल की प्रैक्टिस अपन नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे वो रोनाल्डो जब वो फुटबॉल के एकेडमी में था तो वहाँ पे अंग्रेज लोगों के डिसिप्लिन रहते, 5 बजे मतलब 5 बजे सोना पड़ता, सुबह उठना, ऐसे डिसिप्लिन थे। तो इसको ज़्यादा देर प्रैक्टिस करने की थी तो वो जो ग्राउंड था ग्राउंड वाले ने अलो नहीं किया, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने नहीं, बोले टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म तो खत्म, आप ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं ग्राउंड का मेंटेनेंस करूँगा अभी यहाँ से आगे। तो फिर ये भाई साहब पहुँच गए फुटबॉल लेके रात में जंगल में, ठीक है ना, बाजू में ही जो प्रैक्टिस सेशन था उसके बाजू में जो जंगल था, जंगल मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बुशेश, छोटे छोटे झाड़ काटे के भी होंगे सब, जो भी अंधेरे में दिख रहा नहीं, तो फॉरेन में ना ऐसे लंबे लंबे झाड़ रहते और नीचे छोटे छोटे बुशेश रहते वो, ठीक है ना। तो वो काटे के बुशेश में भाई साहब प्रैक्टिस कर रहे, पैरों पे काटे लग रहे, खून निकल रहा, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे। तो ऐसे पागल लोगों का काम रहता है ये जो रहता ना कुछ एक्स्ट्रा चीज अचीव करना, नॉर्मल लोगों का काम नहीं रहता। नॉर्मल लोग तो क्या सोचते, भाई मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी नॉर्मल बॉडी है, मेरे को 6 घंटे सोना पड़ता, 6 घंटे सोऊंगा तो ही मेरी बॉडी कम कर पाएगी, बिल्कुल सही नॉर्मल इंसान के लिए, तो स्कोर भी नॉर्मल ही आता फिर 550 600 620 खत्म, ठीक है। फिर 500 600 के नीचे आगा बीडीएस करो,
दादा तोड़ो लोगों के, नॉर्मल नॉर्मल रिजल्ट आएगा ना। फिर नॉर्मल इंसान के जैसा सोचेंगे तो रिजल्ट भी नॉर्मल आएगा, एबनॉर्मल सोचेंगे तो रिजल्ट भी एबनॉर्मल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम ना तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को ज्यादा वैल्यू मत दो। हाथ दुख रहा, बता बेट क्या लगा है बे? दुख रहा मेरे को। अरे बहुत इफेक्टिव है ये, काम करता है, ये काम करता है और बिल्कुल काम करता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बिल्कुल काम करो। पीठ दुख रही, सोचना ही नहीं पीठ दुख रही। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता? 90% पीठ पे ध्यान रहता, बहुत दुख रही है, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, बिकॉज ऑप्शन ढूंढ रहे ना भागने। समझ में आ रहा? किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है उससे डील करना, उसको सॉल्व करना, भागना नहीं उससे, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम आ रहा, दो तरीके रहते, दो रास्ते रहते वहां से, एक आसान रास्ता एक मुश्किल रास्ता। बहुत आसान रहता, मुश्किल रास्ता लेने का कभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो हाइपोथेटिकल चीजें दिमाग में आती ना हमेशा, कि इतने घंटे सोना पड़ता नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पढ़ते रहो ना तुम। तुम्हारा और प्रॉब्लम क्या है, अपन क्या करते कि किसी के फ्यूचर के साथ अपना प्रेजेंट कंपेयर करते, ये बड़ा डेंजर रहता, ये बहुत खतरनाक रहता। और किसी की लाइफ को एग्जैक्ट फॉलो करके अपन उसके जैसा नहीं बन सकते। मान लो मेरे को धोनी बनने का, तो मैं क्या अब टिकट कलेक्टर बनूंगा जाके? समझ, गलत तरीका हो गया ना। तो लॉजिक क्या है? बोले वो उसने टिकट कलेक्टर बना था, तो अरे उसका उस प्रोसेस में कोई रोल ही नहीं ना। तो प्रोसेस में जो रोल है वो काम करो। जैसे किसी से पूछ लिया कि भाई देखो अब रिवीजन कैसे करना है, अबे अभी तक आके आपको रिवीजन कैसे ये करना समझ नहीं आया, एग्जाम 4 महीने पे है, तो क्या पढ़ा फिर तुमने? समझ में आ रहा है? तो ये चीजें शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ना ज्यादा डिस्कस मत करो फैमिली मेंबर्स ये वो, इनको ज्यादा अपनी चीजें बताओ मत। कुछ प्रॉब्लम के साथ खुद ही डील करना बेटर रहता है, बिकॉज आगे वाले इंसान दो चीजें करेगा, कभी आपकी साइड नहीं लेगा। वो दो चीजें करेगा, एक आपको ब्लेम करेगा, तुझ पढ़ रहा क्या, दुनिया में बच्चे पढ़ रहे नहीं क्या, या फिर दूसरा और डराएगा, पढ़ा नहीं तो ये होता वो होता। सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा, सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा, सोल्यूशन के पैसे लगते, सोल्यूशन चार्जे बढ़ रहता ना, तो सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा आपको। या तो ब्लेम करेंगे, मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, या डीमोटिवेट करेंगे, ब्लेम करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे, दो ही चीजें हो सकती है। या फाइनली बहुत ही ज्यादा अच्छे पेरेंट होंगे आपके, तो एक डायलॉग मारेंगे, बोलेंगे तेरे से नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। लेकिन ऐसे कोई नहीं बोलेगा बेटा कर, तो मैं तेरे साथ हूं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो किसी को बताओ ही मत, अपने अपने करते रहो ना, लड़ते रहो, कोई टेंशन। अकेले रहना एक बहुत बेस्ट क्वालिटी है, किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, खुद से प्लान करके करना, पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज गेम प्रैक्टिस का है, ठीक है? और बहुत सारी 12-15 चीजें करने की कोशिश मत करो, अभी टाइम है नहीं अपने पास। रिविजन्स पे ध्यान दो, सेम चीज पढ़ते रहो बार बार, ठीक है? आड़े तेड़े कुछ धर के भी एमसीक्यू सॉल्व करके जो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कम मत करो। जैसे पीछे की भी टॉपिक है, फालतू में चुपी जेई कर्नाटका ये वो एमसीक्यू नहीं यार, छोड़ दो ना, नीचे देखो क्या क्या एमसीक्यू, नहीं करना ही नहीं भाई मेरे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी बहुत टाइम है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे ना, जो वीकली टेस्ट थी उसका रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे, अब ऐसा मत सोचो कि मेरे को पूरा याद आना चाहिए। लिमिटेशन है ह्यूमन ब्रेन की, पूरी चीजें थोड़ी याद रख सकता, पूरी चीजें याद रख सकता तो फिर तो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता। ह्यूमन ब्रेन अगर एक बार पढ़ लिए वाली पूरी चीज याद रख सकता तो फिर तो कॉम्पिटिशन ही खत्म है, नहीं रख सकते ना भाई। और भूल रहे हैं तभी तो कॉम्पिटिशन बना, अदरवाइज तो एग्जाम ही नहीं होती, फिर सभी बच्चों को सब याद रह जाता, सभी याद रह जाता, सभी को सभी मार्क्स आते, तो फिर सारी कहानी कहाँ की टिक जाती है? कौन कितनी मेहनत करता है, मेहनत इन द सेंस एक्सरसाइज करना है क्या? नहीं, प्रैक्टिस करना है। किसके एमसीक्यू की? सॉल्व करो, सॉल्व करते वक्त नहीं आएंगे एमसीक्यू तो सॉल्यूशन देखो और प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस करो, रोज रोज का टारगेट लो, सुबह उठो ये आज इतना करना है, इतने टॉपिक्स करने हैं, ऐसे करने हैं। अभी के फिलहाल के लिए तो जो रनिंग चल रहा है ना उसका ही करो ढंग से। समझ आ रहा? जैसे बायो का पीछे हो गया, आपने कर लेना चाहिए था वो टॉपिक्स जो पढ़ाए गए थे बायो के, बीच में फिजिक्स का बंद था तो बायो के कर लेने चाहिए थे, अब फिजिक्स का चलो इसका मन लगा के करो। अब फिजिक्स का पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि बायो का मेरे को याद है कि नहीं, वो कंबाइनली बाद में याद आ जाएगा जब सिलेबस को मर्ज करेंगे हम, रिविजन में बोलो या फिर रिविजन क्लास में बोलो या फिर जब तुम्हारे राउंड्स होंगे वो तब देखेंगे ना। अभी आप NLM या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी के बारे में सोचो, अब क्या मॉडर्न फिजिक्स चढ़ रहा ना उसको ही पढ़ो ना, उसके MCQ के बारे में सोचो। अब क्या होता, दिमाग में इतनी निगेटिविटी रहती, जैसे मान लो मॉडर्न फिजिक्स बहुत आ रहा तुमको आसानी से, तो अंदर जो थॉट्स रहते हैं
वो थॉट्स आदमी को मोटिवेट नहीं करते, वो डीमोटिवेट करते। कैसे? बोले मॉडर्न फिजिक्स तो आ गया, एसी का कैसा करता, वो तो नहीं आता देखो। तो फिर आदमी क्या होता है, ध्यान देना ये भी छोड़ू, वो नहीं आता मेरे को, वो नहीं आता, ऐसे मत। जिस काम पे फोकस करे उसी पे फोकस करके प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आ रहा है? एंड जस्ट 2-3 महीने की बात है, इसके बाद खत्म है, समझ में आएगा? तो थोड़ा सा अपने आप को संभालो, अपने आप से अंदर बात करो, स्ट्रेंथ जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से पढ़ते रहो, और इसके बारे में सोचो ही मत ना। प्रॉब्लम का बात पता है क्या, जब आप सोचेंगे कि मैं रात में 3 ही घंटे सोए, पहली स्टेप क्या रहती, सुस्ती देना। तुम सुस्ती नहीं दिए ना आगे की प्रॉब्लम ही नहीं आती। होटी मत खोलो सुस्ती है तो, दूंगा ही नहीं बोलो मैं, उधर ही टेंशन खत्म हो जाता। सुस्ती दिए कि फिर आंख लगती,